हेलो गाइस, मैं हूं अमित और फिलहाल मेरे पीछे ये जो कुआ है गाइस, ये है वही भूतिया कुआ जिसके अंदर हमने रॉकेट्स भी चलाए थे। और ये जो कुआ आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और ये भूतिया इसलिए है क्योंकि ये पूरा ढका हुआ था, बंद है बहुत टाइम से। और इसके बारे में कई ऐसी घटनाएं भी हो चुकी है पहले, जो कि हमने आपको बहुत पहले वीडियो में बता दी थी, अभी वो नहीं बताएं गाइस। अभी फिलहाल दिवाली का मौसम चल रहा है और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ धमाका किया जाए इस कुएं के अंदर, कुएं के साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए और फिर देखते गाइस क्या होता है। तो गाइस आज हम इस भूतिया कुएं के अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ डालने वाले जिसमें बहुत सारा मज़ा आ सकता है। आपको ये कहता हूं कि भाई प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि जो कुआ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर इसके अंदर कोई गलती से भी गिर गया तो मान लो कि वो खत्म है, इसलिए प्लीज डोंट ट्राई। तो गाइस आज हम इस कुएं के अंदर डालने वाले हैं ये है गाइस सीमेंट का कट्टा। जी नहीं गाइस, इस कट्टे के अंदर यहां पर है बहुत सारे, निकल क्यों नहीं रहे गाइस, इसके अंदर है बहुत सारे दीवार बम। गाइस ये जो पटाखे हैं आपको पता है कि जब हम इनको दीवार पर मारते हैं तो ये बसते हैं, लेकिन आज हम इनको डालेंगे कुएं के अंदर। कुएं गहराई काफ़ी, अब ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगी क्या ये जो दीवार बम है ये नीचे जाने के बाद में फटेंगे या नहीं फटेंगे, अगर फटेंगे तो कैसी आवाज़ यहाँ पर आने वाली है। कुआ आपके सामने तैयार है, दीवार बम आपके सामने तैयार है, फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए गाइस लाइक का बटन जरूर से दबा देना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी मस्त मस्त वीडियोस क्लिक कर लो यार गाइस सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट ट्राई एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो। शुरू करते हैं। तो भाई हमने सारे दीवार बम को निकाल लिया, यहाँ पर ये जो पूरा बर्तन है ये भर गया गाइस, और यहाँ पर कुछ और भी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि दो बार में डालते हैं, पहले कम को डाल के देखते हैं कि अंदर बसते हैं नहीं। गाइस ये जो पटाखे हैं ना ये बसते हैं जब हम इनको दीवार पर मारते हैं, दीवार जो है वो पक्की होती है यानी कि पत्थर की तरह होती है, लेकिन कुएं के अंदर जनरली मिट्टी होती है, कुछ पत्थर वगैरह भी हो सकते हैं। तो आई डोंट नो कि ये अगर मिट्टी पर गिरेगा तो बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन सोचो कुएं के अंदर अगर ये पटाखा बजेगा तो कुएं के अंदर आवाज़ को फैलने के लिए जगह नहीं है। बाहर अगर कोई पटाखा बजता है तो चारों तरफ आवाज़ फैल जाती है, लेकिन उसमें जगह नहीं है, सारी आवाज़ जो है ऊपर आएगी, हो सकता है वाइब्रेशंस भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो डालते हैं और गाइस डाल करके देखते हैं क्या मज़ा आता है। पहले थोड़े से डालेंगे इसके अंदर, हाथ से डालते हैं शुरू में, बाद में सारों को एक साथ भी डालेंगे गाइस, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। इन 3 2 1 गो। पटाखे बजे, पटाखे बजे अंदर जाके। अरे यार थोड़े से और डालते हैं इसके अंदर गाइस, अभी हमारे पास और बच्चे हैं। ठीक है डाल रहा हूँ, देखते हैं क्या आवाज आती है। डाल रहा हूँ भाई, ये गए उतरी थी, गए उतरी थी। अब आप समझ सकते हो कुएं की गहराई कितनी होगी, इतना देर बाज तक भी बज रहे हैं और पूरा जो कुआ है ना गाइस वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे, मतलब एक पटाखा बजता और पूरा ऐसा हिलता अलग ही। और अभी तो हमने थोड़े से डाले गाइस, अब डालेंगे बहुत सारे। चलो डाल दूं? Yes! बोलो yes! ये लो गाइस, ये लो गाइस, धुआं है इसके अंदर से कुएं के अंदर। और भाई जब हमने पटाखे डाले ऐसे बज गया अंदर पर पूरा, और पूरा हिलने लग गया, हमारे पैरों की जो नीचे जमीन है ना वो ऐसे ऐसे होने लग गई, क्योंकि हर एक पटाखे के अंदर दम होता है। और इतने सारे थे गाइस, हजारों पटाखे थे इसके अंदर, कमाल था यार ये तो। और अब देखो आप यहाँ पर पूरे पूरे कुएं के अंदर से
सिर्फ स्मोक ही स्मोक आ रहा है, बाहर आ रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अंदर कुछ दिख नहीं पा रहा है इसकी वजह से। गाइज ये कैमरा हमने आपको नज़ारा दिखाने के लिए डाला था, और इस कैमरा की जो डिस्प्ले है वो यहाँ से क्रैक हो गई है, ये हो गई, ये हो गई, यहाँ पर भी क्रैक हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगता है पटाखे जा करके गिरे हैं। ऑन तो है ये अभी भी, लगे हाथों गाइस इस कुएं के अंदर चक्री भी चला करके देख ही लेते हैं कि क्या होता है। भाई मेरी तो जल गई है, डाल दूं क्या? डाल दी। उतरी, ओ चल रही है अंदर, वो फट गई है? अरे फटी गई अंदर, अरे अपने वो पटाखे जल रहे हैं। हाँ। वो जो कुछ बच गए होंगे ना गाइस, क्योंकि सारे पटाखे तो फटे नहीं होंगे, वो फट रहे हैं। गाइस जो चक्री है वो अंदर वाले दीवार बम को जला रही है, मुझे लगा चक्री फटी, ये गई गाइस, लेकिन चक्री नहीं फट रही, वो देखो, वो देखो जो अंदर के दीवार बम है ना उनको फोड़ रही है, ये देखो, ये देखो अंदर अपने आप ही फट रहे हैं। अरे यार गाइस, यार ये नहीं सोचा था ऐसा होगा। डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो। वाओ, अब सोचो देखो। अभी भी फट रहे गाइस अंदर। अरे यार उतरी। तो गाइस यार ये तो कुछ अलग ही कमाल था, पहले हमने दीवार बम डाली, उसके बाद में चक्री डाली, वो अंदर वालों को फोड़ रही है। इसका मतलब दीवार बम जो है वो ज्यादा गर्मी से भी फट सकते हैं, अगर आप दीवार पर ना भी मारो तो भी वो फट सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में मजा आया होगा। अगर आया है गाइस, आई नो कि आया है, तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। अभी भी जो है अंदर धमाके जारी हैं, आप लोग सुन ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।